अभिमानी बन गई, और भगवान को अभिमानी प्रिय नहीं है, भगवान को तो अभिमान शून्य लोग प्रिय है, जिनके में अभिमान सही नहीं। स्वरूप बहुत सुंदर बनाया था शूर्पणखा ने, पर अभिमान से पूरित थी। और अहिल्या के भगवती शबरी के शब्द सुनिए, अधम ते अधम अधम यति नारी तीन मह में मति मंद नारी। कहीं अभिमान झलक रहा है, इसे छू रहा है, स्पर्श भी करवा रहा है शबरी मैया को अभिमान। लाभ क्या होगा? अभिमानी व्यक्ति को भगवान के पास जाना पड़ता है, स्वीकार करे न करे उनकी इच्छा पर डिपेंड होना पड़ेगा, पर निरभिमानी व्यक्ति को जाना नहीं पड़ता है, भगवान रास्ता ढूंढते हुए स्वयं आते हैं। भगवान स्वयं आए, शबरी को अपना आश्रम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अहंकार शून्य हो जाओ तो आपको तो घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं। भगवान इतनी सी बात, कल भी मैंने आपसे कहा था, संसार को पाना है, सांसारिक पदार्थ पाना है तो दौड़ो, बिना भागे मिलेगा नहीं, निकलना पड़ेगा, घर से निकलो, लाभ हानि की चिंता किए बगैर निकलो। अगर संसार की सामग्री इकट्ठा करनी है और संसार की सामग्रियों के मालिक को पाना है तो दौड़ो मत, बैठ जाओ, कहीं आसन लगा लो, मन को भागने मत दो, भटकाओ मत, एक की जगह जड़ीभूत कर दो, बिल्कुल दृढ़ कर दो। वैसे ही इस प्रसंग में भी मैं यही कह रहा हूं आपसे, भागना नहीं है, बैठना है। गोपांगनाओं को अभिमान हुआ इसलिए भगवान छोड़ करके चले गए। तासां तद सौभग मदम वीक्षमान केशव प्रशमाय प्रशांताय तत्रैवान तृतीयत प्रशमाय प्रसादाय। अब इसमें बड़ी 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 विशेष बात है, प्रसादाय किसके लिए है, प्रशमाय किसके लिए है? प्रशमाय है गोपिकाओं के लिए और प्रसाद आय है श्री राधा जी के लिए। श्री भागवत जी में राधा जी का नाम स्पष्ट रया नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? क्योंकि शुक के गुरु हैं और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, एतदर्थ उनका नाम नहीं लिया। आत्मनाम गुरोर नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीया ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयोः। अपना नाम गुरु जी का नाम, पत्नी को पति का नाम, पति को भी स्त्री का नाम, और ज्येष्ठ संतान का नाम, और कंजूस व्यक्ति का नाम हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आयुक्षण होगी, ज्येष्ठ संतान का भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। भगवान का नाम राम है पर मैया राघव कहती है, कितना शास्त्र का ध्यान रखती है। नाम कृष्ण है पर मैया कन्हुआ कहती है, माधव कहती है, ध्यान रहे। पर यहां और पर एक बात, नाम भले नहीं आया है पर ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें श्री किशोरी जी विराजमान न हुआ। देखो एक बात बताऊं, नाम लेना और नाम न लेना, इसमें बड़ी बात क्या है? अगला आपका नाम ले ले तो बड़ी बात है कि अगला आपका नाम न ले तो बड़ी बात है? अरे कुछ तो बताओ भैया। हाँ ना, एकदम आप लोग बिल्कुल सांप सूंघ जाता है, अरे कोई फेल नहीं हो जाओगे, आप सब जानते हो कि महाराज अलग ही व्याख्या करेंगे, इसलिए डर के मारे कुछ बोलते नहीं। दो तीन दिन से जो बताया सब गलत ही जा रहा है, कुछ बोलना नहीं, ऐसी बात है। देखो नाम लेना वो सामान्य बात है, नाम न लेना विशेष बात है। इतने सम्मानित व्यक्ति हैं कि उनका नाम लेने की भी सामर्थ्य सब में नहीं होती, हिम्मत है उनका कोई नाम ले ले? मैंने आज तक उनका नाम किसी को लेते नहीं सुना, ऐसा सुना होगा, इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनका नाम। तो सुखदेव स्वामी ने श्री राधा जी का नाम इसी परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया है, बोला कि उनका नाम लेते ही समाधि लग जाती है, फिर परीक्षित की कथा कौन सुनाएगा? इसलिए प्रसादोस्त प्रसन्नता, यहाँ जो प्रसाद शब्द आ रहा है राधा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि एकांत सुख से राधा जी को देना चाहते हैं और प्रशमाय गोपिकाओं के अहंकार को समाप्त करने के लिए। अब देखिए भगवान अंतर ध्यान क्यों हुए, भगवान ने समझाया नहीं कि अहंकार शून्य हो रहा, भगवान ने कहा कि मेरा संग पा करके ही इनमें अभिमान की उत्पत्ति होगी, और जब संग नहीं रहेगा तो अपने आप अभिमान शून्य हो जाएंगे, इसलिए प्रशमाय अंतर्धीयत, भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जब नहीं रहे तब भगवान के होने का न होने का एहसास
अब तो जब तक थे तब तक समझ नहीं रही थी, अन्य का चिंतन कर रही थी, अब नहीं है तो बिल्कुल व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई और भगवान को ढूंढने लगी। हे प्री, हे पीपल, हे पाकड़, हे बरगद, तुमने हमारे भगवान को देखा, हमारे प्राणनाथ को देखा? फिर कहती है, तुम तो पुरुष हो, तुम क्या जानो प्रेम है क्या होता है, और तुम बहुत ऊंचे हो सकता है जहां तुम हो, लंबा व्यक्ति दूर ही तो देखेगा, नजदीक थोड़ी देख पाता। तो कहे मध्यम कदकाठी के जो वृक्ष है उनसे पूछा जाए, हे रसाल, हे प्रियाल, हे कटहल, हे आम, हे कचनार, हे जामुन, हे बेल, हे मौदसरी, तुमने देखा? फिर सोचिए, लोग मध्यम कदकाठी के लोग हैं, थोड़ा नजदीक है, हो सकता भगवान झाड़ियों में छुपे हुए हैं। हे बेला, हे चंपा, हे युतिका, हे जाति, तुमने देखा है? और तुम तो स्त्री भी हो, स्त्री जाति की हो, इसलिए तुम प्रेम तत्व को समझ सकती हो। फिर कहते, तुमने देखा री तुलसी, तुमने देखा? अगर तुमने देखा भी होगा तो तुम क्यों बताओगी? तुझे तो आनंद आ रहा होगा, तुम तो हमारी सौत हो ना, सौत को सौत का दर्द अच्छा लगता है, इसलिए तुम हमको नहीं बताओगी। कहाँ चले गए नाथ हमको छोड़ करके? और यन्नो बिहाय गोविंद प्रीतो यामन यामन यद्रहा। अब सब बहुत रोई हैं और इसी रोने को खोजने को गोपी गीत कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है गोपी गीत, 19 श्लोकों में है। दो चार श्लोक सुनेंगे आप श्रद्धापूर्वक, बोर ना होइएगा है। कनक मंजरी छंद है, क्योंकि जो चीज में याद नहीं होता ना उसमें बोरियत लगती है, लेकिन बोर मत होइएगा, ये कान में पड़ेंगे तो बड़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी गीत को गाने से गोपिकाओं को फिर भगवान मिल गए थे। तो हम गा नहीं सकते तो सुने तो सही, कछु कृपा मिल जाए ठाकुर जी की। गोप्य ऊंचो जयति तेधिकम् जन्मना प्रजः Oh,
गोपिकाओं ने भगवान को रो रो करके पुकारा है। अब ये 19 श्लोकों में बड़े भावपूर्ण अर्थ हैं। एक एक श्लोक पर आचार्य लोग एक एक सप्ताह बैठ करके आनंद लेते, इतने सारे घर बैठे हैं। हम तो आपको संक्षेप में 1900 श्लोकों का सूक्ष्म अर्थ बता दे रहे हैं। प्रथम श्लोक में भगवान के जन्म लेने से जो ब्रज की शोभा बढ़ गई है उसका वर्णन है। द्वितीय श्लोक में अपने विरह के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए श्री कृष्ण को उलाहना दी है। आज हम दुख में हैं, रो रही हैं, तो कारण कृष्ण है, कारण तुम। और तीसरे श्लोक में विरह से ऐसा लग रहा है कि प्राण निकलो, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए तो बात समझ में आएगी। तीसरे श्लोक में विरह से प्राण छूटने का भय लग रहा है कि कृष्ण के वियोग में प्राण छूट जाएंगे, तो कृष्ण के कारण प्राण छूटेगा, तो प्राण छूटने का कारण जो होता है वही हत्यारा कहा जाता है। तुम्हारे कारण अगर हम मर रहे हैं तो तुम ही तो दोषी माने जाओगे, और कृष्ण अगर तुम्हारे वियोग में हमारे प्राण निकल गए तो तुम स्त्री बध के दोषी पाए जाओगे। तो ये तुमने ये दोष अपने ऊपर क्यों ले लिया, तीसरे श्लोक में कह रहे हैं। अगर तुम्हें मारना ही था ना तो तुम्हारे पास एक सीधा रास्ता था, हम मर भी जाती और स्त्री बध का पाप भी नहीं लगता। तो प्रश्न उठता है कैसे मर जाती, बोले कम विपत्तियां आई थी, कितने कितने असुर आए, जंगल में आग लगी, अकाजुर बकाजुर तृणावर्त कैसे कैसे राक्षस आए, मूसलाधार वर्षा हुई, उस प्रलयकारी मेघों की वर्षा में बह करके मर करके बह गई होती, दोष इंद्र को लगता, तुम्हारा काम बन जाता और तुम दोषी भी नहीं पाए जाते। तीसरे श्लोक में इसका वर्णन है। तीसरे श्लोक में गोपिकाएं यही कहती हैं कि तुम्हारे कारण ये हो रहा है। ध्यान रहे, नेह किम बधा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। चौथे श्लोक में भगवान की भगवत्ता का वर्णन है कि तुम इतने उच्च आसन पर रहते हो, इतने प्रभावी व्यक्ति हो, और छोटा सा ये ऐसा निंदित कार्य कर रहे हो, अपनों को रुला करके चले गए तुम। पांचवें श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य और उनके अभय प्रद चरणों के शरणता के बारे में वर्णन है। छठे श्लोक में भगवान के मुख माधुरी का वर्णन है। सातवें श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन है। आठवें श्लोक में उनके मनोहारी वाणी का वर्णन है, एक एक गुण का वर्णन कर रहे हैं। नवम श्लोक में भगवान की कथा का वर्णन है, तव कथा अमृतम, कृष्ण तुम्हारी कथा अमृत का काम करती है, कथा आपका आपकी कथा अमृत है, भगवान की कथा अमृत है। तो क्या हो रहा है इससे, बोले तुम्हारा वियोग हमें मारना चाहता है पर तुम्हारी कथा अमृत के रूप में खड़ी हो जाती है, मरने भी नहीं दे रही, न मिल रहे हो न मरने दे रहे हो, कैसी स्थिति तुमने बना दी है, तुम्हारा वियोग मारना चाहता है, तुम्हारी कथा बचाना चाहती है, वियोग के रूप में तुम गला उतारना चाहते हो और कथा के रूप में तुम हमें जीवित रखना चाहते हो, कैसी दशा दे रहे हो। दसम श्लोक में भगवान के हाथ से प्रीति भरी दृष्टि हृदय स्पर्शी विनोद का वर्णन है। ग्यारहवें श्लोक में भगवान के उस शोभा का वर्णन है जब भगवान प्रातःकाल बिल्कुल चोटी लगा करके, भगवान की चोटी बड़ी सुंदर, मैया गूंथती थी, क्या छंद है वो, बढ़िया घुंघरा जी, भगवान की चोटी काग के भाग का आरंभ का क्या है, आरंभ कहां से कोई बताओ, भगवान की चोटी तो बड़ी निराली है ना, धूली भरे अति शोभित श्याम जो, धूली भरे अभी अभी याद आ जा रहा है, मेरे गुरुजी कहा करते थे, मैं भूलने लगा हूँ, मेरे गुरुजी जब बूढ़े हो गए थे हम भी सोचते थे कि भला कोई जो याद किया रहेगा कैसे भूल जाएगा, गुरुजी क्यों भूल जाते हैं आप, लेकिन अब पता लग रहा है कि भूलना भी भूल जाता व्यक्ति, कि धूली भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, वाचवि गोरस खान विलोकत भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो, कितने
ये राग से गाए आप मखमली के तो राग में मिलाओ ना अनुराग से राग मिलाओ हरी हाथ सुले गयो माखन रोटी। हाँ हो ये वृंदावन वाले जो है माखन रोटी खाते हैं। क्या खाते हैं? रोटी इनको ज्यादा प्रिय है और अयोध्या वाले को भात ज्यादा प्रिय है। भगवान राम जी को भात बहुत प्रिय है और दही भात तो बहुत प्रिय है। प्रिय है कि नहीं प्रिय है? आप कहोगे प्रमाण दीजिए राम जी भात बहुत खाते थे। मैं प्रमाण दे दूं? प्रमाण दूं? क्या प्रमाण है? भोजन करत चपल चित इतउ तय अवसर पाई भाग चले किलकत मुख दधि बोधन लपटाई। इससे सिद्ध हो गया कि अयोध्या वालों अयोध्या वाले सरकार को भात प्रिय है और वृंदावन वाले सरकार को माखन रोटी प्रिय है। उधर माखन रोटी इधर दही भात क्या कहना है। इसलिए बिंदु जी महाराज कहते हमको तो दोनों प्रिय है और दोनों खाना हो तो क्या करना पड़ेगा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी का भजन है आप लोग पढ़िएगा। पूरा पूरा याद नहीं आ रहा। बेईमानी में करता नहीं मैं सही बता देता हूँ। यह बात नहीं भी बोलता तो काम चल जाता लेकिन मैं बता देता हूँ। बहुत बढ़िया है आपको याद है। नेक्स्ट टाइम के लिए याद कर लिया जाएगा। अगली कथा में अगली कथा भी हमारी यहाँ कल विश्राम होगी अब परसों से फिर शुरू होगी। आपका मन न लगे तो आ जाना पता मैं बताई दे रहा हूँ। रायगंज है कि रायपुर है भटक जाते हैं। रायपुर में रायपुर में क्या नाम है यजमान जी का तिवारी मिश्रा जी रायपुर में 13 से 12 को पूरी होगी यहाँ कल विश्राम परसों हमारी कोचिंग कल यहाँ ऐसे होगी और कल यहाँ ऐसे होगी और परसों ऐसे हो जाएगी। फिर आनंद शुरू हो जाएगा। आप जब आ सकते हैं वहां पर आनंद वहां सुना देंगे आप। तो ये अगर दोनों लाभ लेना हो तो आप भगवान शरण। और हमको तो सच बताऊं कभी कभी लगता है कि यही सबसे अलग लाभ है। श्री अयोध्या में भगवान ने जन्म दे दिया और वृंदावन वाले की कथा कहता हूं और काशी में पढ़ा लिखा तो काशी में पढ़ने का अयोध्या में जन्म का कथा वृंदावन की यही जीवन की अच्छा सही उपलब्धि रही। यही आज तक के जीवन में यही मिला। इसके अलावा तो जो मिला सो जय सीताराम है। तो कहने का अभिप्राय है कि यह भगवान की कथा अमृत का काम करती है। यह दसम स्कंध श्लोक में वर्णित 11वें श्लोक में वर्णित है। 12वें श्लोक में भगवान के गोचारण करने जाते समय जो छवि होती है उसका वर्णन है। 13वें श्लोक में उनकी महिमा का वर्णन है। 14वें श्लोक में गोपिकाओं ने उनके अधर सुधा की याचना की है। 15वें श्लोक में श्री कृष्ण के वियोगकृत अपनी अवस्था का वर्णन किया कि हमारी क्या दशा हो रही। श्री कृष्ण अगर तुम मिलोगे नहीं ना हम क्या करेंगे जानते हैं। अगर तुम मिलोगे नहीं हम क्या करेंगे। जाए के खाए मरेंगे सबे अहीर के द्वार पे हीर कनीन को। रसखान जी कहते हैं अगर कृष्ण तुम हमको नहीं मिलोगे ना तो हम क्या करेंगे जानते हैं। तुम्हारे पिताजी के दरवाजे पर जाकर के तुम्हारा नाम लेकर के हीरा चाट के प्राण छोड़ देंगे बता दे। इसलिए जहां हो चले आओ जाए के खाए मरेंगे सबे अहीर के द्वार पे। राधि राधा राधिका जी हैं तो जी हैं सब क्योंकि राधा जी भी अचेतन पड़ी हुई है वो भी मूर्छावस्था में पड़ी हुई है। राधिका जी हैं तो जी हैं सब न तो पी है हलाहल नंद के द्वारे। राधिका जी हैं तो जी हैं सब। एक में राधा जी और एक में जी है मैंने जीवन का अर्थ माना। राधिका जी हैं तो जी हैं सब न तो पी है हलाहल नंद के द्वारे। अपने वियोग स्थिति का वर्णन किया है 16वें श्लोक में जो उन्होंने त्याग किया है। कृष्ण तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया। पहले तो तुम कहते हो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पहली बात तो धर्म को समझना ही बड़ा कठिन है। पढ़ते पढ़ते बढ़ोतरी आ जाती धर्म समझे नहीं आता है। किसी प्रकार से समझ में आ जाए तो व्यवहार में नहीं आता है। उपदेश में तो आ भी जाए व्यवहार में धर्म उतरता है और किसी प्रकार उतर जाए तो उसके आगे आप कह रहे हो सब छोड़ दो। इतना कीमती कैसे कैसे पढ़े कैसे कैसे पालन किए और तुम कह रहे छोड़ दो।
सर्वधर्म सारे धर्मों को छोड़ दो और माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरणागति स्वीकार करो। पाना कितना कठिन है और पाने के बाद छोड़ना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। दिन रात मेहनत करके कोई चीज पाई जाए और उपलब्धि जैसे हाथ लगे तैसे फरमान आ जाए छोड़ दो, सारी किए पर पानी फिर जाएगा कि नहीं फिर जाएगा। फिर भी कृष्ण तुम्हारे वचनों पर हमारी निष्ठा, हमने धर्म को जाना, धर्म को पाया, धर्म को जिया, लेकिन तुमने कहा छोड़ दो तो हमने छोड़ दिया, तुम्हारे वचनों पर विश्वास करके छोड़ दिया। हमने कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, हमने कोई विशेष इच्छा नहीं व्यक्त की, अपनी मति नहीं लगाई, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, तुम्हारे बताए रास्ते पर चलते रहे और तुमने हमारे इतनी किए का यह सिला दिया कि तुमने हमको छोड़ दिया। ध्यान रहे, सिला भी उसी को मिलता है जो प्रेम करता है। रोएगा वही जो प्रेम करेगा ना, जो प्रेम था ही नहीं उसको वियोग का भी क्या आनंद, जो संयोग में ही था ही नहीं तो वियोग का उसको प्रभाव पड़ेगा। जब हम किसी भी स्तर पर आपके साथ थे ही नहीं तो आप थे भी तो भी कोई बात नहीं, आप नहीं भी तो भी। प्रेम कहते महाराज, प्रेम में हमको धोखा मिल गया, प्रेम में हमें रोना पड़ा, प्रेम में हम बहुत रोए हैं, प्रेम था तभी रोए, नहीं होता तो रोते इसके लिए थे। ये रोना, ये सिला मिलना, ये धोखा मिलना, इसका मतलब तुम्हारा प्रेम ठीक था, तुम प्रेम में थे, प्रेम में हो, ये सब अंग है उसके। और भगवान अंतर ध्यान क्यों ये पता है, प्रेम का संवर्धन करने के लिए, गोपिकाओं को यह बताने के लिए, अस्तित्व कराने के लिए, मैं हूं तो मेरी मेरी महत्ता नहीं समझोगी, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी महत्ता समझोगी। कोई चीज मिले और छूट जाए तब हम बहुत बेचैन होते हैं, पर जब दोबारा मिलती है तो हम सावधानी रहते हैं, फिर वो भूल नहीं करते हैं जो पहली बार हमने की। इसलिए सतत सावधान रहना चाहिए, जो मिला है उस पर गफलत में मत रहो। एक बार छूटने के बाद जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान इसलिए अंतर ध्यान हो गए कि मानो तुम्हारा प्रेम और हो। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, यद्यपि प्रेम की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह दूं आपको, परिभाषा तो नहीं बता सकता हूं क्योंकि है ही नहीं कोई उसकी एक एक वन लाइनर परिभाषा, तो कोई प्रेम की है ही नहीं। प्रेम के अनेक अनेक रूप हैं, कभी कभी शरबत पिलाना भी प्रेम है और कभी कभी करेले का जूस पिलाना भी प्रेम है। परिस्थितियां तय करती हैं कि कहां प्रेम झलक रहा है। एक माँ दोनों बच्चों से प्रेम करती है, पर एक को संतरे का जूस देती है, एक को करेले का जूस देती है, दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, क्योंकि पर वहां प्रेम का रूप दूसरा होगा। तो कहने का अभिप्राय, अगर प्रेम के वृक्ष है तो वियोग उसकी उर्वरा है। अगर प्रेम को हरा भरा रखना चाहते हो तो वियोग की अग्नि, वियोग का पानी, वियोग की खाद उसमें डालते रहो, तभी प्रेम हरा भरा रह सकता है। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए और खूब रोई हैं। इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्तिश्च चित्रधा रुरुदुस्म सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपिकाएं रोई हैं और सुखदेव स्वामी एक विशेष बात कह रहे हैं, रुरुदुस्म सुस्वरं, रोई नहीं है, रोने के आगे विशेषण लगा रहे हैं, सुस्वर रो रहे हैं, कि एक नई बात कह रहे हैं। गाने में तो स्वर की संभाल होती है, पर रोने में तो स्वर से नहीं रोया जाता। कभी आपने ये थोड़ी ना कहा कि चलो आज राग भैरवी में रोया जाए, आज राग मालकोश में रोया जाए, जरा छेड़ो तानपुरा और लेके बैठो, आज सारी बहनें मिलकर के हम लोग राग दरबार में रोएंगे, दरबारी राग में रोएंगे, ऐसा तो नहीं। रोना तो सहज प्रक्रिया है, पर सुस्वर रोने के पीछे का अभिप्राय क्या है? सुस्वर रोने के पीछे का अभिप्राय है कि गोपांगनाएं किसी सामान्य पदार्थ के लिए नहीं रो रही है। जब आप किसी सामान्य पदार्थ के लिए रोते हैं तो आपका रोना कर्कश होता है, आपका रोना बेसुरा होता है। जब लेकिन आपके रोने का उद्देश्य कृष्ण हो जाए तो आपका रोना भी गीत बन जाता है, उसका रोना भी वंदनीय माना जाता है। जिस रोने से कृष्ण मिल जाए वह रोना अच्छा, रो आंखों से अश्रुधारा बहेगी, कृष्ण मिलेंगे। रोना रोने जैसा, रोने से हृदय जितना हल्का होता है शायद ही किसी से हल्का होता है। हृदय को हल्का करने का दो तरीका है,
एक तो किसी से बात कह लो या तो रो लो, शायद कोई दूसरा तरीका अभी तो मेरे समझ में नहीं आया, आपको पता हो तो बात अलग है। दूसरे तरीके जितने हैं वे उतने हृदय को हल्का नहीं करते हैं। दो ही तरीका, या तो जी भर करके कह दो किसी से, किसी को बिठाओ और कह जाओ, बिल्कुल बेधड़क कह जाओ जो है निकाल फेंको, या तो मुख से निकले या तो आंख से निकले, वरना अंदर पुड़ता रहेगा। तो और उसमें भी सुप्रीम कौन है? रोना सुप्रीम नहीं, क्योंकि दूसरे में, दूसरे वाले में तो दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी, और कहां ढूंढते पड़ेंगे दूसरा? कौन है अपना? यहां अपना हो तब ना दूसरा उसको कुछ कहें। यहां तो हर व्यक्ति गैर है, इसलिए पहला वाला ज्यादा सुप्रीम है। रो लो, बैठो कमरा बंद करो और जीव भर करके रो, हृदय हल्का हो जाएगा। गोपांगनाएं रोई हैं और रोने से गोविंद मिलते हैं, आंसू बड़े निश्चल होते हैं महाराज। और मैं आपसे एक बात कहूं, मैं तो रह जाऊंगा, मेरी कथा बड़ी लंबी यात्रा है, मेरी आज भगवान के ब्याह की कथा है, पर एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं कि आंसू जैसा कीमती धन इन संसारियों पर कभी मत लुटाओ। आंसू को अगर अर्पण करना है तो कृष्ण के चरणों में अर्पण करो, ये इसके लायक नहीं है। और जो पदार्थ जिसके लायक ना हो उसको देना नहीं चाहिए। जब तुम उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसकी कीमत ही नहीं समझते, ये संसारी को आंख के आंसू दे दो ना, ये कहता है इसके तो आंख में गंगा जमुना बैठी है, जब देखो तब रोता है। हम तुम्हारे लिए कलेजा फाड़ दे और तुमने एक लाइन में ये कह दिया, ये तो गंगा जमुना बहती रहती है इसकी आंखों से, जब देखो तब रो पड़ता है या पड़ती है। इसलिए जो कीमत समझे। और मैंने अपने इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में एक बात बहुत गहराई से पाई है कि अश्रु की कीमत भगवान के अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई है ही नहीं, न तो कोई आचार्य, न तो कोई विद्वान, न तो कोई व्यक्ति, न तो कोई पत्नी, न तो कोई बेटी, न कोई तो बेटा। अश्रु की कीमत केवल भगवान समझ सकते हैं। जैसे साग बेचने वाले के हाथ में हीरा लग जाए ना तो बटकरा समझ लेता है, संसार के लोग आंसू को वही वैल्यू देते हैं। बस उनके लिए एक प्रकार का ये वो भी दिखावा है। वो बार बार कहते भी हैं कि जब मैं था तो मेरे लिए बहुत रोते हैं। और संसार से प्रेम हो भी नहीं सकता है, प्रेम तो भगवान से हो सकता है। कुछ चीजें भगवान के लिए ही हैं, पता है, प्रेम, समर्पण, आंसू, श्रद्धा, शरणागति। ये शब्द संसारियों के ऊपर मत लगा देना, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, धोखा खा जाए। संसारी प्रेम देगा, संसार से जब हम प्रेम करने चलते तो क्या स्थिति बनती है, जरा व्यवहारिक बात समझिए। हम उसको प्रेम, उससे हम प्रेम पाना चाहते हैं, उससे हम प्रेम क्यों करते हैं? उसका प्रेम हमें मिले इसलिए तो प्रेम करते हैं। पर उससे पूछो कि तुम क्यों प्रेम कर रहे हो, वो भी कहता मैं इससे पाना चाहता हूं। इसका मतलब तो उसके पास भी नहीं था, इसके पास भी नहीं, धोखे में है कि ये हमें देगा वो हमें देगा, केवल पर्दा लगा हुआ है। सत्यता यह है कि उसके पास भी नहीं है और इसके पास भी नहीं। अगर तुम्हारे पास है तो तुम मेरे पास क्यों आओगे? जो चीज है वो पड़ोसी से मांगने हम क्यों जाएंगे भाई, गैर से मांगने क्यों जाएंगे? इसका मतलब न हमें प्रेम था न है, न उसमें था न है, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। प्रेम तो केवल भगवान प्रेमाब्धि हैं, प्रेम के सागर तो भगवान हैं। उनके पास जाओगे खाली घड़ा लेकर के, वे अपने प्रेम करुणा से तुम्हारे रीते हृदय को भर देंगे, वही दे सकते, दूसरा कोई दे नहीं सकता। धोखा में हो तो सावधान हो जाओ, मैंने तो अपनी बात कह दी, बाकी समझना आपके ऊपर है। ये गोपी गीत बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। गोपांगनाएं अधीर हुई, रोई हैं, तड़पी हैं, बेचैन हुई हैं, लेकिन किसी गैर के दरवाजे पर नहीं गई हैं। वे जानती हैं कि दे अगर कोई सकता है तो कृष्ण है, कृष्ण के अलावा अगर कृष्ण नहीं दे सकते हैं तो कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ कि जो दे देगा, है ही नहीं तो देगा कहां से? यहां तो सब के हृदय में कलुषता भरी हुई है। जिसको प्रेम प्रेम कह रहे हो ना, मोह है, केवल लेबल प्रेम का है, ठग रहा है तुम्हें, ये समझने वाली बात है। भगवान रास के मध्य में प्रकट हो गए, क्योंकि अभिमान शून्य हो गई। तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखां कुजः पीताम्बरधर स्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। कोटिकंदर्प किशोर मूर्ति रास के मध्य में प्रकट हो गए, और इस बार रास नहीं महारास आरंभ हुआ। महारास
कभी नहीं रुकने वाला, कभी नहीं बंद होने वाला। जहां यही बैठ जाए माता जी, क्या दिक्कत है, यही बैठ जाए, वही बैठ जाए, या आगे यहाँ सच्चिदानंद भगवान की जहां मिल जाए वहीं बैठ जाए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था और दिव्य महारास आरंभ हो गया है। श्रोताओं, भागवत कार वर्णन करते हैं, रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, महारास आरंभ हो गया है, कभी नहीं रुकने वाला, कभी नहीं थकने वाला। अंगना मंगना मंत्रे माधवो 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 चांतरे रांगना इत्थमा कल्पते मंडले मत जगत संजगो वेणुना देवकी नंदना। रास की झांकी को प्रस्तुत करते हुए आचार्य श्री कृष्ण करुणामृतम में कहते हैं कि एक गोपी दो कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण, अनेक झांकियां हैं महाराज में, ध्यान रहे। और इस रास में गोपिकाओं के साथ साथ में महादेव भी पधारे हैं। अगर केवल वासना की क्रीड़ा होती, काम की क्रीड़ा होती तो महादेव आते? पार्वती जी रास में सम्मिलित होने के लिए जब चलने लगी तो भगवान भूत भावन ने कहा पार्वती जी मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने कहा पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, पुरुष माने ज्ञान यहाँ और स्त्री माने भक्ति। जरा लौकिक भाषा में अलौकिक बातें कही जा रही, ध्यान रखना। वहां तो केवल और शंकर ज्ञानानंदमय है, ज्ञानमय है, चिदानंदमय, ज्ञानमय है, चिदज्ञान स्वरूप होता है। वहां ज्ञान का प्रवेश नहीं, यानी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां तो स्त्री का प्रवेश है। महादेव ने कहा मैं स्त्री बनने के लिए तैयार हूं, मैं ज्ञानी होते हुए भी भक्ति का श्रृंगार करने के लिए तैयार हूं। महादेव ने भक्ति का श्रृंगार किया, स्त्रीयोचित श्रृंगार किया है और पार्वती जी के साथ में महाराज में सम्मिलित होने के लिए चले। बड़ा सुंदर गीत है, आप लोग श्रवण करें। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन दिन वो भोला भंडारी बन करके रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जाए महाराज में
में दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके बिहारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नाम ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं। समझो मेरी बात, भक्त के अलावा किसी की चाल अच्छी हो ही नहीं सकती। पार्वती भी मना के हारी नामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। महाराज में शंकर जी का आना इस बात का परिचायक है कि यहाँ काम नहीं, यहाँ विशुद्ध प्रेम है। क्योंकि काम को तो वे जला करके भस्म कर चुके हैं, काम की जरूरत नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है कि महादेव के आंखों के सामने खड़ा हो जाए, वे कामारी है। तो कोई घटना सामान्य भी हो लेकिन अगर उसमें विशिष्ट व्यक्ति खड़ा हो तो ये इसका आभास हो जाना चाहिए कि बात सामान्य नहीं है। विशिष्ट का खड़ा होना ही इस बात को बता देता है, ये सामान्य सी बात भी किसी विशिष्ट की भूमिका तैयार कर रहा है। ध्यान रहे, वृंदावन के रास में पहुंचे आए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी कवेश, नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर नाथ भगवान की। महाराज के बारे में लिखा है जैसे एक बच्चा अपने परछाई से खेलता है, भगवान उसी तरह से गोपिकाओं के साथ में नृत्य किए हैं। हल्लीशक नामक नृत्य भगवान ने महाराज में प्रयोग किया है। नृत्य शास्त्र है, क्या है नृत्य, क्या है शास्त्र हमारे यहाँ। नृत्य पूरा पूरा एक विषय है और उसमें कई प्रकार के नेत्रों, कई प्रकार के नृत्यों का वर्णन है। भरतनाट्यम है ना, भरतनाट्यम भरत जी का, आचार्य भरत का नाट्य शास्त्र है, उसमें नृत्य शास्त्र है। और नाचना तो सृष्टि के आरंभ से भगवान शंकर नाचते हैं। नृत्तावसाने नत राजराजु ननाद भक्तां नवपंसकार उद्धर तुकावान सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे स्वसूत्र जालम। तो भगवान ने रासारंभ किया और भगवान की आयु के मिलाकर के 9 वर्ष की थी जब रास रचाया। तो जिस उत्सित और पवित्र और घृणित मानसिकता से लोग महाराज को देखते हैं, 9 वर्ष की आयु बड़ी पवित्र होती है, वहां ऐसी कोई संभावना या भावना हो ही नहीं सकती है जिससे समाज आजकल महाराज को देख रहा है। सामान्य भक्त समुदाय तो बड़ी पवित्र दृष्टि से देखता है, सुनता है। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और चक्रुंकु नामक राक्षस का उद्धार किया। युगल गीत की कथा है, युगल गीत भगवान की दिव्य छटा है, उसमें बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलकित भ्रूर धरार्पित वेणु, दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई ही। भगवान का जो स्वरूप है, जब भगवान गाय चराने जाते हैं तब गोपिकाएं भगवान को निहारती हैं, और जब गाय चरा के आते हैं तब भगवान गोपिकाएं भगवान का दर्शन करती हैं। दर्शनीय तिलक लगा है, वनमाला है, दिव्य तुलसी की माला है, मधु माने उन मालाओं में उन पुष्पों में जो पराग है उसको पाने के लिए भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अरे महाराज, इस प्रकार से भगवान वनमाला धारण किए हुए तुलसी के गंध से मतवाले होकर के भ्रमर जिनके पीछे चल रहे, ऐसे श्री कृष्ण अपने अधरों पर वंशी नाद करते हुए गोधूली बेला में आगे आगे गाय पीछे पीछे कृष्ण नंगे पांव गोचारण करके लौट रहे हैं। और भगवान के रूप राशि का वर्णन है, भगवान के तो स्वरूप में इतना आनंद है उनको देखने के बाद फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। एक भक्त कहता है कि भगवान का स्वरूप महाराज किसी जादू टोने से कम थोड़ी ना, देख ले समझ लो नजर बंद कर लेते हैं। एक बार अपना रूप दिखा दे फिर व्यक्ति कुछ देख ही नहीं सकता है।
कर गए दिल पे टोना बाकी बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना We'll be right back.
भगवान की घुंघराली बलगित भ्रू है। बताओ मैं बलगित भ्रू की व्याख्या, मेरा मेरे पास समय नहीं, मैं कभी कर दूंगा भाई, घंटा लगेगा कम से कम। रिस्क कहां लेंगे, नहीं छोड़ जाने दो। कोमलांगुलि भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। अभी तो केवल हम इतने में थे, इतने में 15 मिनट तो हो ही गया होगा भजन, और इसके पहले जो व्याख्या की थी 2-3 मिनट से अब कर रहे हैं। कितना मिनट हो गया, कितने में है, इतने में है अभी, कितने में है, इतने में है। अभी यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, और इसमें तो बहुत कुछ है माया, इसमें तो बहुत कुछ है। अब फिर अधर पर है, उसके नींद पीछे दंत है, उसके पीछे अमृत है, उसके हाथ में वंशी है। कोमलांगुल भिराश्रित मार्गम, भगवान कोमल उंगलियों से वंशी पर अपनी उंगलियों चला रहे हैं। वंशी को भगवान जितना प्रेम करते हैं, शायद ही किसी से करते हैं। वंशी भगवान को बहुत प्रिय है, और वंशी बहुत नाज से रहती भगवान के पास में। एक दिन तो वंशी ने कह दिया, श्याम सुंदर अब यह नींद आ रही है। भगवान ने कहा जंगल में कहां आसन लगाऊं, बोले चाहे जहां लगाओ मुझे सोना है। भगवान ने तुरंत अपने कर कमल का बिछावना दे दिया, कृष्ण तकिया के बिना नींद नहीं आती है। अपने अधरोष्ट का तकिया दे दिया, कृष्ण बिछावना बहुत अच्छा है, तकिया लाजवाब है, लेकिन बिना पंखा के कभी नींद आई नहीं मुझे। भगवान अपनी पलकों से पंखा करते हैं, कृष्ण बिछावना अच्छा है, तकिया अच्छी है, पंखा भी कर रहे हो, लेकिन चरण कौन दबाएगा? स्वामिनी मैं दबाऊंगा, और कौन दबाएगा? भगवान अपनी उंगलियों से उसके चरण दबाते हैं। ये है वंशी जो भगवान उसके सारे मनोभावों को पूरा करते हैं। अब ये जो युगल गीत है, इसकी तो क्या किसका क्या वर्णन करें हम, इसका तो बहुत ही कुछ इस पर आचार्य लोग वर्णन करते हैं। केसी व्योमासुर का उद्धार किया, देवर्षि नारद पहुंच गए मथुरा, कंस को सारी बात बताई, और कंस ने भी सोचा कि यानी मुझे मारने वाला अवतरित हो गया है। लोग जिसको नंद का बेटा समझ रहे, वो नंद का बेटा नहीं, वसुदेव का बेटा है, और उसने सभा बुलाई। कृष्ण को कैसे मारा जाए, इसके लिए उसने चर्चा पर चर्चा, लोगों से सलाह मांगा। एक सीधी सी बात निकल के आई कि पहले तो दीर्घकालिक जीवन के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाए, एक बात तो भैरव की आराधना की जाए। दूसरी बात यह है कि कृष्ण को यहाँ बुला लिया जाए, यहाँ बुला करके उनको हम मार देंगे। प्रणाम कर लिया उसने, कंस ने कभी प्रणाम नहीं करता था। मैं हमेशा कहा करता हूँ, दुष्ट व्यक्ति अचानक से प्रणाम करने लग जाए तो भी सावधान रहना चाहिए। हाँ हाँ, गूढ़ा
नीच का आदर भी खतरनाक होता है। नीच व्यक्ति का, नीचतम व्यक्ति का भी आदर भी बड़ा कठोर होता है, सावधान रहना चाहिए। नवन नीच के कौन पूरा करेगा, कोई पूरा करेगा? जय जय सीताराम। कहाँ के रहने वाले हैं? हैं भिंड प्रदेश, मध्य प्रदेश के रहने वाले, भिंड जिला के, अयोध्या के रहने वाले। चौपाई नहीं उठ रही, दुख की बात है। श्री अयोध्या के सन्निकट के हम लोग रहने वाले हैं और एक चौपाई नहीं उठ रही है, कैसे काम चलेगा? हमारे घर में ही हमारी चीज विलुप्त हो रही, इसका मतलब कोई पाठ नहीं करता है। पाठ छोड़ दिया आप लोगों ने, घर में रामचरित मानस की पोथी भी नहीं होगी, कैसे सनातन की रक्षा होगी? केवल चार छह लोग मिल करके अकेले लड़ लेंगे इन तथा कथित काल नियमों से? तैयार होना पड़ेगा सबको। नवन नीच के अति दुखदाई। अच्छा, इस कथा से एक संकल्प लेंगे आप? क्या संकल्प? तो क्या लोगे, संकल्प बातें से डर जाओगे, संकल्प लेना टूट जाएगा। एक 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 दक्षिणा दोगे हमें? अच्छा एक बताओ, दक्षिणा बनती कि नहीं? कथा जिससे सुनी जाए उसको दक्षिणा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दे ना दे आपकी स्वेच्छा, देना चाहिए कि नहीं? नियमतः बात क्या है, चाहिए नहीं? तिवारी जी पक्की बात है, देना चाहिए ना? तो मैं आपसे यही चाहता हूँ पंडित बरवालों और जो यहाँ बैठे हैं मेरी कथा में, अगर वास्तविकता में आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी श्री रामचरित मानस जी की पोथी अयोध्या से ले आइए और नियमित रूप से पांच दोहा पढ़ना शुरू करो। पांच दोहा वहीं पर लगा दीजिए, जगह बना, अगले दिन फिर पांच, दस होगा, फिर पंद्रह, फिर बीस, ऐसे ऐसे कुछ महीनों में आपकी मानस पूरी हो जाएगी, आपकी एकाग्रति हो जाएगी। फिर शुरू करिए, फिर पूरी हो, फिर शुरू करिए, कम से कम कुछ तो करके जाइए। इस बहाने मानस की चौपाइयों का पाठ होगा। ये मानस, हाँ मानस की कोई सामान्य चौपाइयां नहीं है, मंत्र है। रहीमदास जी से पूछा गया कि आजकल बढ़िया कौन लिखता है? रहीमदास जी ने कहा हम। बोले तुलसीदास जी के बारे में, क्या लिखेंगे, क्या कविता करना जानते हैं? बोले लिखते तो कुछ है। उन्होंने आश्चर्य कहा, रहीमदास जी ने कहा कविता तो रहीम लिखता है, तुलसी तो मंत्र लिखता है। तुलसी बाबा तो मंत्र लिखते हैं। एक पंक्ति एक लाइन ले लो और उसका जप करो, देखो आपको अनुभव में आएगा। एक एक चौपाई मंत्र है, महाराज विज्ञान से भरे हुए हैं, क्या बताएं हम आपको। हम निवेदन करें तो नवन नीच के अति दुखदाई, जिमियं कुश धनु उरग बिलाई। तीन उदाहरण दिया, अंकुश धनुष, अंकुश धनु उरग, चार है। अंकुश जैसे झुका होता है, टेढ़ा होता है, इतने बड़े हाथी को अपने वश में, अंकुश धनु धनुष, धनुष झुका होता है, जितना झुकेगा धनुष को जितना झुका सकते हो उतना झुकाओगे तो भले गति उतनी मिलेगी आपको। उसका झुकना यानी तीव्रता को जन्म देता है। और उरग, उरग माने सांप, सांप जिसका जितना पीछे जाएगा जितना झुकेगा उतना ही तेज प्रहार करेगा, गति मिलती है उसको। बिलाई, बिल्ली भी का भी स्वभाव है, तो जितना अपने को पीछे सिकोड़ती है, पीछे झुकती है ना, इसका मतलब वो नहीं कि आपको दंडवत कर रही है। बिल्ली का झुकने का मतलब यह है कि किसी का काम तमाम हुआ, वह कोई हज करने थोड़ी नहीं जा रही है, घर तो झपट्टा मारेगा सीधे। तो ये झुकना भी किसी सज्जन व्यक्ति की दोस्ती उतनी खतरनाक नहीं है जितनी दुष्ट की दोस्ती खतरनाक है, ध्यान रखना। क्योंकि जो नीच व्यक्ति होते हैं, देखो एक तो सज्जन होते हैं, दुर्जन होते हैं, नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये तीसरी श्रेणी आज मेरे मन में आई पाठ करते समय। अब मेरे मन में क्या आई, मैं जिस कमरे में रुका हुआ हूँ उनमें पांडे जी के कुछ साहित्य रखे, उसमें पंचतंत्र रखा हुआ है। तो मैं सोच रहा था जब से आया है मुझे अपनी पोथी फुर्सत नहीं रहती, लेकिन पांडे जी ने रखा था, हमने कहा लाओ एक आध लाइन पढ़ने, नहीं इनका रखना निरर्थक न चला जाए, और इतने सन्निकट रहते हुए भी कोई ग्रंथ, तो हम आज ऐसे ही। तो उसमें तीन प्रवृत्ति दिखी, एक तो सज्जन, एक दुर्जन और एक नीच व्यक्ति। सज्जन और दुर्जन तो अलग होते हैं, हमारा नीच व्यक्ति के आपको आपके गुण से भी कोई लेना देना नहीं, आपके दुर्गुण से भी कोई लेना देना नहीं है, उसका तो एकमात्र लक्ष्य है इसको कैसे हम दुख दें। बस अकारण जो दुख दे उसको नीच व्यक्ति कहते हैं, अकारण न उसको आप किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ना गुण से प्रभावित कर रहे हैं, ना अवगुण से प्रभावित।